क्या मैं अकेला हूं जो यह नहीं जानता कि 85% लोग भगवत गीता में ही क्यों जवाब ढूंढते हैं? चलिए इसके दूसरे अध्याय में गोता लगाते हैं। सोचिए अर्जुन, वो महाबली योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है, दुविधा और दुहक से घिरा हुआ। वो अपने प्रियजनों को दुश्मन की कतारों में खड़ा देखता है और अपने कर्तव्य पर सवाल उठाता है। तब दुर्बलता से घिरा हुआ अर्जुन श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है। कृष्ण की बुद्धिमत्ता एक गहरे सच से शुरू होती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। ये ज्ञान अर्जुन के मन को ऊंचा उठाता है, उसे याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु बस एक पड़ाव है। फिर कृष्ण कर्म योग के मूल पर जोर देते हैं। निस्वार्थ कर्म, वे अर्जुन को निष्काम कर्म करने की सलाह देते हैं, जिसका अर्थ होता है बिना किसी फायदे या लालच के अपेक्षा के काम करना। अच्छे काम करो, लेकिन उसके नतीजों को ईश्वर पर छोड़ दो। उसमें फायदा होगा या नुकसान, यह ईश्वर को देखने दो। कुल मिलाकर दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब भी हम कठिनाइयों से घिर जाए तो हमें एक गुरु के शरण में ही जाना चाहिए और हमेशा निष्काम कर्म की भावना से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो अगली बार जब भी आप रास्ता भटकें, कृष्ण के शब्द याद रखिए, हरे कृष्ण।